गाइस hey आज की ये वीडियो में डेफिनेटली एडिशन अगर आप खेल रहे confusion में हो कि मेरे फोन में गेम चलेगा या नहीं चलेगा या फिर अगर आप जीएफ के साथ में भी डाउनलोड कर रहे हो गेम को कंफ्यूजन में हो गेम चलेगा चलेगा कि नहीं आई एम विद अमेजिंग मेंदर वीडियो जिसमें मैं आपको नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे जाके दिखाने वाला हूँ क्या आपको रिक्वायर्ड होने वाला है कितनी जीबी रैम कितना अच्छा प्रोसेसर आपके फोन में होना चाहिए टू रन दिस गेम विथ जी एफ एक्स और विदाउट जीएसाइज जितनी भी चीजें इस वीडियो के दिखाऊंगा सारी की सारी जो है रिसर्च करी हुई चीजें हैं और जो जहां पे नेटफ्लिक्स वालों ने जो गेम लॉन्च किया है ना उनकी तरफ से ही स्पेसिफिकेशन नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे जाके बताऊंगा वीडियो को ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा पिछली वीडियो में मैंने आपको गेम पूरा प्रोवाइड कर दिया था अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल पर उसके अलावा काफी लोग मुझे अपनी प्रीवियस वीडियोज में सपोर्ट दे रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर फॉर दैट और काफी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो ना तो चैनल पे

पोर्ट के लिए सबके लिए है अवेलेबल ऑफलाइन है क्लाउड सेव ठीक है पता ये चीज़ें हमें हाउ टू डाउनलोड अब यहाँ पे डाउनलोड तो कैसे करना है वो तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है चैनल पर बट उसके अलावा यहाँ पे कंपर्टेबल डिवाइस मैं आपको बता दूँ एंड्रॉयड फ़ोन या फिर टैबलेट जनरली अवेलेबल ऑन दी एंड्रॉयड 11 प्लस डिवाइसेस यहाँ पे ये चीज़ को एक बार अच्छे से गौर पे गौर करके देख लीजिए एंड्रॉयड इलेवन का अगर आपके पास डिवाइस है एंड्रॉड इलेवन से ज़्यादा का डिवाइस है Android इलेवन प्लस तभी ये गेम सपोर्ट करने वाला है अदरवाइज ये गेम नहीं चलने वाला है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है बट आई एम वेरी श्योर कि अगर यहाँ पे एंड्रॉइड इलेवन प्लस लिखा है तो Android इलेवन प्लस ही चलेगा अगर आपका Android टेन है तो मे बी ये गेम ना वर्क करे। क्योंकि मेरे पास कोई एंड्रॉय 10 का डिवाइस नहीं है तो मैंने अभी तक ये टेस्ट नहीं करा है बट यहाँ पे हैज पर स्पेसिफिकेशन एंड्रॉइड 11 प्लस आपके फोन में होना चाहिए इस गेम को चलाने के लिए विद हाई परफॉर्मेंस सीपीयू एंड जीपीयू जीपी अभी काफी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ अच्छा प्रोसेसर यानी कि स्नैप का एक अच्छा प्रोसेसर या फिर जो लेटेस्ट फोन के अंदर जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो प्रोसेसर आपके फोन में है तो ये गेम आपके फोन में चल जाएगा बिल्कुल स्मूथली विदाउट हैविंग एनी इश्यूज हाँ बहुत सारे ऐसे हाई एंड डिवाइसेस में मैंने देखा है लोगों को कहते हुए कि उनके फोन में भी गेम लैग करता ये है, गेम है ये गेम बहुत ज़्यादा हैवी है ऑफकोर्स ये लैग करेगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है बट स्टिल इट रिक्वायर हाई एंड सी नाम यहाँ पे अगेन मैंशन नहीं किया है कि यहाँ पे मेरा प्रोसेसर कि आपका प्रोसेसर कौन सा है उसके अकॉर्डिंग गेम चलेगा कि नहीं चलेगा आपको अपना प्रोसेसर इंश्योर करना है कि आपका फ़ोन अच्छा हो सारी चीज़ें चला देता हो अगर आपको जानना है अपने फ़ोन के अंदर कि आपका प्रोसेसर अच्छा है कि नहीं है तो आप अपने प्रोसेसर का नेम जो है सर्च करके एंड उसको वहाँ पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड प्रोसेसर इज़ गुड फॉर गेमिंग और नॉट वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा गूगल पे एज़ यूजल ठीक है ना यहाँ पे ये प्ले स्टोर पे भी जाने के लिए बोल रहा है अगर आप डाउनलोड करना चाहो ना वी डोंट हैव टू डाउनलोड दिस ठीक है और ये बोल रहा है यहाँ पे नाउ एक दूसरी चीज है एंड इंटरनेट एन एक्टिव नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है एज यूजल हमें पता है नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन तो चाहिए ही चाहिए इस गेम को चलाने के लिए हाँ वो अलग बात है अगर आप दूसरे तरीके से गेम को डाउनलोड करके चलाते हो तो यू कैन डू दैट बट इन अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए टू तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल द गेम ठीक है इनफ स्टोरेज स्पेस ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइस ठीक है ना स्टोरेज कितना चाहिए ठीक है अब हमारे पास तो इंटरनेट कनेक्शन भी है डाउनलोड हमने कर लिया गेम को हमारे पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन भी है ना सेकंड यहाँ पे थर्ड uh, जो चीज़ आती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि हमारे पास इनफ़ स्टोरेज स्पेस कितना है ठीक है अब यहाँ पे एक बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा यहाँ पे ये बोल रहा है प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव कनेक्टेड अ वाई फाई फॉर डाउनलोड एंड हैव एटलीस्ट टेन जी ऑफ स्पेस अवेलेबल ठीक है ये सिंपली हमने बोल दिया कि हमने गेम तो पूरा इंस्टॉल कर लिया है डाउनलोड कर लिया है मैंने बता दिया है वीडियो में कैसे आपको डाउनलोड करना है गेम को कैसे इंस्टॉल करना है ठीक है अब यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोल रहा है कि यहाँ पे दस जी आपका फ़ोन के अंदर स्पेस खाली रहना चाहिए गेम को डाउनलोड करने के बाद में आपका गेम आपके फ़ोन के अंदर टेन जी स्पेस ब्लैंक रहना चाहिए यानी कि रहना चाहिए ठीक है मान लो अगर आपने आठ जी का गेम डाउनलोड कर लिया और आपके फ़ोन में अगर दस जी से कम है तो मे बी गेम आपका लैक कर सकता है या फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है बट स्टिल वेबसाइट के अकॉर्डिंग रिकमेंड किया गया है कि टेन जी ऑफ स्पेस अवेलेबल रहना चाहिए ठीक है ना इंस्टॉलेशन पर हम नहीं आएंगे हम इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हम आपको ऑलरेडी चैनल पर बता चुके हैं ना भी कुछ गेम प्ले क्वेश्चन है जब जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो और आई डोंट थिंक इसकी ज़्यादा इतनी रिक्वायरमेंट है ट्रबल शूटिंग अब ट्रबल में हमारे पास बहुत सारी चीज आ जाती है जो काफी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं और टेलीग्राम पर भी बोलते हैं गेम मेक्स डिवाइस रन होट ओके तो एट टाइम्स द गेम माइट हैवीली यूज योर डिवाइस डिस्ट मेकिंग इट रन होट वाइल दिस इज नॉर्मल इफ यू आर अनकंफर्टेबल विद हाउ वॉर्म योर डिवाइस इज गेटिंग और गेट एनी वार्निंग फ्रॉम इट ओके दिंग टू डू इट टू स्टॉप प्लेइंग फॉर अट एंड लेट इट कुल डाउन तो क्या यहाँ पे सिंपली इन्होंने भी हमको बता दिया है अगर आपका गेम uh, चलते चलते आपका डिवाइस बहुत ज्यादा यहाँ पे हॉट हो जाता है गर्म हो जाता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है फोन का तो... ऐसे सिचुएशन में अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं हो आप अपने तो आप सबसे बेस्ट चीज ये कर सकते हो कि आप अपने गेम को थोड़ी देर बंद कर सकते हो और उसके बाद में अपने गेम को चला सकते हो इससे आपका फोन को टाइम मिल जाएगा कूल डाउन होने का ठीक है कूल डाउन करने से आपके जो गेम है वो अच्छे से चलेगा स्मूथली भी चलेगा और आपका फोन भी हिटअप नहीं करेगा ठीक है यहाँ पे गेम डिडेंट फुली डाउनलोड अब ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया चैनल पे तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा ठीक है फिर भी बता देता हूँ ये आपका होता है अगर आपके फोन में स्पेस नहीं है तो आपके ये

Game and stop ये मेरे चैनल पर मेरे कमेंट में हमेशा ये चीज जरूर लिखी रहती है गेम क्रैश कर रहा है या फिर गेम फ्रीज कर रहा है इफ़ योर गेम स्टॉप वर्किंग सडनली क्लोज द गेम एंड एनी अदर ऐप रनिंग ऑन योर डिवाइस ट्राई अगेन रिस्टार्ट योर डिवाइस ट्राई अगेन क्या पे इन्होंने बेसिक चीज़ बताई है और ये चीज ये बताई है कि अगर आपको गेम स्टॉप कर देता है काम करना बंद कर देता है तो आप क्या कर सकते हो आप इसको अपने गेम को क्लोज कर सकते हो या फिर कोई भी ऐसा ऐप आप जो आपके बैकग्राउंड में चल रहा है उसको बंद कर सकते हो और उसके बाद में आप ट्राई कर सकते हो अगेन और या फिर अपने फोन को रिस्टार्ट कर सकते हो बंद करके चालू कर सकते हो दैट इज दी इन्होंने बोल रखा है दैट इज इट ठीक है अगर आपको गेम क्रैश करता है तो इनकी तरफ से ये कहना है बाकी आई डोंट थिंक कि इसमें ज्यादा चेंजेस हमें करने चाहिए बट हाँ कुछ लोगों के रिस्टार्ट करने से भी डिवाइस में गेम क्रैश करना बंद नहीं करता है तो अगेन आई वुड से कि कि स्टोरेज स्टोरेज जो जो आपका है है फोन का जो है, वो बिल्कुल से खाली रहना ही चाहिए अगर आपके फोन में स्टोरेज इनफ खाली नहीं है अफकोर्स ये आपका दिक्कत देना स्टार्ट कर देगा गेम परफॉर्मेंस और विजुअल इशू इफ योर गेम डजेंट परफॉर्म वेल लैग्स हो रहे हैं विजुअली स्किप्स हो रहे और स्टटर्स हो रहे हैं स्टर्स यानी कि आपकी गेम में लैग एकदम से स्क्रीन अटक जाती है स्टर्ट्स होते हैं ठीक है तो ये चीज़ें सब हो रही है गेम में इसका मतलब आप गेमिंग परफॉर्मेंस के आ, से जो है जूझ रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना दिया है लैग फिक्स का पूरा का पूरा वीडियो वो जाके अगर आप देखोगे तो आपका गेम वैसे ही फिक्स हो जाएगा अच्छे से स्टेप्स करने के बाद में बट स्टिल यहाँ पर रोकश्रा की माने इन्होंने क्या यहाँ पे नेटफ्लिक्स से लिखा हुआ है कि क्लोज करो गेम को और कोई भी जो ऐप जो चल रहा है बैकग्राउंड में उसको भी क्लोज कर दो और ट्राई अगेन करो ये इनकी चॉइस है आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो या पे इनकी भी चॉइस मान सकते हो ये बेसिक चीज उन्होंने बताई है बाकी इसको मैं बंद करूंगा गेम साउंड एंड वॉल्यूम इश्यूज में आऊंगा आई डोंट थिंक ये कोई इश्यूज uh, इनको आते होंगे कोई भी मेरे ऑडियंस को गेम साउंड uh, के बारे में uh, कि जो साउंड सेटिंग है उनको आप यहाँ पे देख सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप साउंड सेटिंग में जाकर के भी उसको फिक्स कर सकते हो या फिर आप जो है रेडियो वगैरह भी बंद करना चाहो तो इन गेम की साउंड सेटिंग में वो सही हो जाता है आई डोंट थिंक इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है इसको क्लोज करूंगा गेम एरर

करेंसी ठीक है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कॉन्टेक्ट कर सकते हो इनसे अगर आप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर पाओगे आप अपना डिस्क्राइब इशू कर सकते हो अगर तभी जब आपके फोन में नेटफ्लिक्स आप चला रहे हो ऑफिशियली गेम को अच्छे से चला रहे हो देन ये पॉसिबल है अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप क्रैक गेम करके चला रहे हो आई डोंट थिंक इट गोना वर्क गाइस ये था मेरा आज का ये वीडियो जो कि पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन के ऊपर बेस्ड था यानी कि आपके फोन में कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपकी गेम को अच्छे से चलाने के लिए वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है क्या एंड्रॉइड डिवाइस होना चाहिए या फिर क्या एंड्रॉय वर्जन होना चाहिए या फिर आपके फोन में कितना स्पेस खाली रहना चाहिए और सारी चीज़ें आपको बता दी आई होप यू फाउंड दिस वीडियो सो हेल्पफुल आई मीट यू यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक सो मच फॉर दिस वीडियो bye